Yo, what's up, everybody? Is your gamer boy here, and welcome back another gameplay video of Over the Edge. Feel like I'm floating through the air. प्राइम मिनिस्टर की कार चोरी की थी और अभी मुझे वो किसका वो जो बलास गैंग के बंदों का फोन आया. उन लोगों ने धमकी देके बोला है कि प्राइम मिनिस्टर की कार हमको दे दो पर ना हम तुमको नहीं छोड़ेंगे. तो भाई बिग स्मोक ने सीधा ही बोला है कि बलास गैंग को ख़त्म कर दो. तो अभी मैंने बोला ठीक है यार, लेकिन वो बहुत बड़ी प्लान बनानी पड़ेगी बिकॉज बलास गैंग भाई आप लोगों को वो गैंग ना मैं बता नहीं सकता. ये जो हमारी पूरी गैंग है ना इससे भी वो मतलब तगड़ी गैंग है वो. तो हाँ मेरे पास तो गन्स पूरी है, मैं मार दो सीधा सकते. लेकिन मेन बात है ये कार की, ये जो प्राइम मिनिस्टर की कार है ना ये हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते. उन लोगों ने सीधा बोला है, धमकी दी है कि प्राइम मिनिस्टर की कार अगर तुमको सेफ चाहिए तो वो कार हमको दे दो वरना हम उस कार को भी ब्लास्ट भी कर देंगे, वो भी बोला है. तो अभी एक ही ऑप्शन है कि उनको मार देना है. और पिछली वाली वीडियो में मैंने लाइक एम गोल किया था 30 लाइक्स का, ठीक है 30 लाइक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया, इसीलिए आज इतनी जल्द मतलब हाँ मतलब टाइम लगा होगा. अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको मैं अपलोड चलो बाद में. हाँ तो मैं ये बता रहा था कि थोड़ा टाइम लगा लेकिन हाँ आप लोगों ने 30 लाइक्स कंप्लीट कर दिए कर दोगे. तो जल्दी फटाफट 30 लाइक्स. एंड और एक मैं आपको वो बता देता हूँ यार, एक सेकेंड. 30 लाइक्स का एम क्या हुआ, 30 लाइक्स का या कौन सा, हाँ 30 लाइक्स. तो जो फटाफट से 30 लाइक्स आपने कर दिए थैंक यू. तो उसके लिए न्यू वीडियो आ गई तैयार. और ये वाली जो वीडियो होने वाली है ना गाइस, मतलब मैं एक हिंट दे सकता हूँ कि पूरी तबाही. तो चलो अभी गेम प्ले के अंदर चलते हैं. तो अभी मुझे बिग स्मोक ने बोला है कि बलास गैंग के बंदों को सीधा ख़त्म कर दो, तुम अकेले जाओ, ये काम टीम भी नहीं कर सकती. तो हाँ वो जो ग्रीन कलर वाली गैंग है ना वो है बलास गैंग. अभी मुझे बोला गया कि तुमको उनको मारना है, लेकिन यार भाई वो बहुत तगड़ी गैंग है. ये देखो भाई इनके पास इसके पास गन है. इसके मैंने इसीलिए बोला था इसके पास गन है, इसको हम मार नहीं सकते. मतलब हमारे पास बहुत तगड़ी तगड़ी गन्स है. एक सेकंड मैं गेम के साउंड को ना, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैंने गेम के साउंड को कभी एडजस्ट ही नहीं किया है. हट, मतलब ऐसे ही वीडियो डाल देता हूँ. गेम का साउंड कम हो जा, कम. मुझे गेम का साउंड 30 पे चाहिए. ओए ओए गुंडे बलास गैंग. ये गाइस अभी मुझे बोला है कि बोला है कि बलास गैंग जहाँ पर भी दिखे उसको सीधा मार डालो. इसीलिए मारना है बिकॉज भाई अभी उनसे दुश्मनी चल रही है. अगर बाय चांस प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी फट गई ना बिग स्मोक मुझे नहीं छोड़ेगा. तो इसीलिए हाँ इसीलिए हमको बिग स्मोक के लिए काम करना पड़ेगा. तो अभी मैंने सोचा कि चलो यार बोल ही दिया है तो बलास गैंग को ख़त्म करना हाँ करेंगे. एक सेकेंड और गाइज एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं जब एक वो बताऊँगा रुक जो आप लोगों ने 30 लाइक्स. और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप बहुत जल्द वीडियो चाहते हो ना ये सैन एंड्रियास का तो आप बहुत जल्द कंप्लीट कर दो. जितनी जल्द कंप्लीट करोगे वीडियो भी उतनी जल्द ही आएगी. हाँ कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है बिकॉज 4-5 घंटे की वीडियो को 12 मिनट की वैसा बनाने के लिए कभी कभी टाइम लग जाता है. जो मेरा सेकेंड वीडियो था वो मैं सही में बता रहा हूँ वो 2 घंटे लगे एडिट एंड प्लस रिकॉर्ड करने में. तो हाँ इसीलिए थोड़े कभी कभी टाइम लग जाता है, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है. अभी मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, अभी कोई टेंशन नहीं है. तो हाँ
तो अभी हम स्टोरी पे घुसते हैं, मेन अभी हमारी मेन स्टोरी शुरू होने वाली है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए। बिग स्मोक ने मुझे एक बंदे को एक बंदे के घर पे बोला है जाने के लिए, मैं उससे मिल के आता हूँ। कहाँ है भाई उसका घर यार? वो बंदा ही नहीं दिख रहा, वो हमारे स्ट्रीट का बंदा, हमारे गैंग का बंदा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा यार। एक सेकेंड, इधर ही कहीं उसका वो है यार। और उसने मुझे फोन करके बोला था कि मैं इधर ही मिलूंगा। कहाँ पर? ओ हेलो सर। ये तो वो गैंग का बंदा है, ये तो वायलेट गैंग का बंदा है। हाँ, वायलेट गैंग का बंदा है। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको रहे, वायलेट गैंग की अभी पंगा नहीं लेते अभी। हमारी भी ऐसे ही दुश्मनी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर की कार मतलब कुछ भी होना नहीं चाहिए उस पर, ऐसा मुझे बिग स्मोक ने बताया। तो हाँ ठीक है। ओ वो रहा मेरा दोस्त जा रहा है। ये हाँ ये रहा गाइस, मैं बोल रहा था ना, ये हमारे गैंग का ही बंदा है। ये पर्पल गैंग, मैं मजाक कर रहा था पर्पल गैंग का, लेकिन नहीं है, ये तो कुछ चोरी चकारी कर रहा है। हमारा ही गैंग का बंदा है। तो एक चीज सुन ले भाई। हाँ तो इसने, हाँ यार अभी क्या करेंगे बता, खत्म कर दे उनको जाके। उनकी मेन लोकेशन क्या है वो बताओ सर। मैं बहुत तगड़ी तगड़ी गन्स है, मैं मारना चाहूँ तो तुझे भी मैं अभी ऐसे मार सकता हूँ, अगर तूने झूठ बोला तो। मेरा दोस्त है इसलिए नहीं मार रहा हूँ, वरना तेरे मत्थे पे ऐसा गोली भरा देता ऐसे चौर पे घूम रहे। ठीक है चल ओके। तो इसने गाइस मुझे बोला है कि मैं बेलास गैंग का जो मेन वो एरिया है, वो मतलब वो उनका एरिया का थोड़ा सा वो लोकेशन दे के रखा है। और बिग स्मोक का अभी बोला था, बिग स्मोक का अभी मुझे कॉल आया था थोड़ा टाइम पहले, मैंने उसको कट कर दिया। तो बिग स्मोक ने मुझे वो, एक सेकंड मैं बिग स्मोक से वो एक बार बातें करते हैं। हेलो बिग स्मोक, मुझे प्राइम मिनिस्टर की कार यूज नहीं करनी गाइज, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मैं बात तो इंग्लिश में हो रही है, लेकिन ये मैं वो, मतलब वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है बिग स्मोक, हाँ मैं भाई, हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर की कार यूज़ नहीं करता, मैं दूसरी वाली कार लेके ही चलता हूँ। चलो तो गाइज, उन बिग स्मोक ने मुझे बोला है कि तुम दूसरी कार लेके जाओ, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की कार अभी लेना और चलाना बिल्कुल ही गैर कानूनी होगा। हमको पूरे उधर ट्रैकर हटाना है, तो एक तो हमने कोई वैन चोरी करके फटाक से इसको मार के जल्दी भागो, ताकि हम बहुत जल्द वो कर पाए। और उन लोगों ने बोला है कि सिर्फ पिंक वो सब वैसा, मतलब कैसी गाड़ी है ये यार, ये देखो ये गैंग वाले बंदे भी। एक सेकंड गाइस एक सेकंड भाई ये तो वही गैंग के बंदे हैं। एक सेकंड, हाथ पे मेरे गोली है, मैं फोड़ दूंगा मैं बता रहा हूँ। रुक जाओ गाइस, छुप के जाना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ भी गलत कर दिया ना भाई, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। फाइटिंग हो गई, मैंने बताया था ना ये वही बेलास गैंग, तो हमको बेलास गैंग के साथ ऐसे लड़ना है कि मैं बता नहीं सकता। तो हाँ चलो एक सेकंड, चल एक सेकंड भाई, एक
और गाइज एक चीज मैं बताना भूल ही गया था, हाँ मैंने पिछली वाली वीडियो पे सिर्फ लाइक का एम गोल बताया था, हाँ मैं भूल जाता हूँ यार, लाइक का एम गोल नहीं, मतलब आप लाइक का भी कर सकते हो, व्यूज भी 30 और लाइक भी 30, इन दोनों में से एक हो जाए मैं नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, तो हाँ यार हाँ वो चीज़ मैं बताना भूल ही गया था। अभी व्यूज 30 अगर और एक बार इस वीडियो पे जो मैं एम करता हूँ वही अगर हो गए तो हाँ और हाँ मैं लाइक एम इसीलिए नहीं करता यार, आप लोग लाइक का गोल कंप्लीट नहीं करते, 5-6 लाइक कर दे तो बस हो गया, वैसे नहीं होता यार, इसीलिए मैं लाइक एंड व्यूज का एम गोल साथ में देखता हूँ, अगर व्यूज भी 30 हो गए नहीं तो लाइक नहीं तो व्यूज में से 30 हो गए हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, ठीक है ये बात सुन लो। और नहीं हर एक वीडियो में नहीं, मतलब ये जो वीडियो है उसका भी लाइक एंड व्यूज एम गोल अलग होगा, तो ऐसा बढ़ता रहेगा। मुझे बलास गैंग के साथ फाइट लेनी है और भाई इन लोगों ने क्या काम पे लगा दिया यार। गाइस एक सेकंड, मुझे मेरा ट्रैकर चालू हो गया, मेरे वो देखो मेरा ट्रैकर चालू हो गया, एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि ये एक बलास गैंग का बंदा है जो एक अंडर ड्रेस घूम रहा है, मैं इसको फटाक से चाकू निकाल के मार देता हूँ ताकि ये कोई इन्फॉर्मेशन किसको भी नहीं पहुंचा पाए। और मैं भाई मैं ये चुपचाप ओ बलास गैंग के ओ पुलिस वाले आ गए हो भाई, भाई इनको पता कैसे चला, वो देखो गाइस बलास गैंग के बंदे भाग रहे, भाई रुक जाओ एक सेकंड यार, मुझे लग रहा है ये पुलिस वाले और बलास गैंग के बंदे एक साथ मिले हुए हैं, भाई भागो वैन दे, भाई वैन दे, मैं वही बोल रहा था निकाल यार, पुलिस वालों से बचना ऐसे ही मुश्किल होता है भाई, फिर से पुलिस वाले पीछे पड़ गया, प्राइम मिनिस्टर की कार मैंने चुराई थी उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया यार, हट मैं नहीं चुरानी चाहिए मुझे खुद हो, तब भाई मैं क्या बताऊँ यार, मुझे प्राइम मिनिस्टर की कार बहुत चुपचाप चुरानी चाहिए थी, फिर भी सिक्योरिटी नहीं थी, फिर भी भाई पुलिस वालों का यार एक सेकेंड, जो पुलिस वाले हैं ना ये लोग सच में होरे होरे भाई बलास गैंग के बंदे, गाइस 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 मुझे बिग स्मोक ने बोला था कि तुमको अपने एरिया में पूरा मंदराना है और जहां पर वो दिखे सीधा मार दो उनको, तो जो उन लोगों ने बोला है तो वो तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई बस जल्दी जल्दी ओ बिक्स ओ और एक वो बंदा भाग रहा है, मैं स्नाइपर से बता देना है, मैं बता रहा हूँ चुपचाप रुक जा, हाथ हाथ से इसकी तो साले गोली बजाएगा, हाँ गोली चलाएगा, हाथ पे 50 रुपए का पैसा भी नहीं होता ये बंदा गोली चलाने में, पता है किससे पंगा ले रहा है, सीजे हाँ सीजे से पंगा ले रहा है, सीजे से पंगा नहीं लेने का, वरना सीजे सबकी वाट लगाएगा वो भी गलत वाली, मुझे एक बार इस गाड़ी को, और मेरे हाथ पे पिस्तौल है मैं पहले ही बता रहा हूँ, किसी ने भी हेरा फेरी करने कोशिश की ना ये जो मत, हाँ चलो सर जाओ 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 आप जाओ आप जाओ, मुझे अभी बलास गैंग के बंदों को मारना है, जहाँ पर बलास गैंग के बंदे दिखेंगे चाकू भरा देंगे। गाइस आपको लग रहा है कि मैंने मेरे दोस्त को मार दिया, नहीं मेरा दोस्त भी ऐसा ही दिखता है लेकिन मेरे दोस्त पे एक सिंबल लगा हुआ है और मेरा दोस्त बिल्कुल भी ऐसा आवारा गर्दी नहीं, वो हमारे लिए काम करता है, come on, fool. ये hey, इन इन, away, इन पागलों के लिए नहीं नहीं काम करते है, नहीं काम करते run away, bitch. पूरा गुस्सा डालूंगा, एक सेकंड मुझे लग रहा है ना वो जो बंदा है वो बंदा कुछ ज्यादा ही अक्कर दिखा रहा है, ये जो बंदा है ना मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही अक्कर दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि वही बंदा है, अगर ये हैंडसअप क्या, मैंने उन लोगों ने बोला कि अगर ये बंदा हैंडसअप क्या तो ये हमारे गैंग के बंदा है, हाँ इसने हैंडसअप क्या
नहीं, हाँ ये बंदा नहीं है वो, अगर हैंड्स अप करते हैं, बिकॉज वो जो बेलास गैंग के बंदे होते हैं ना भाई, सीधा गोली चला देते हैं वो छोरो, सीधा भाई हेड शॉट, पट से हेड शॉट। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड, ये है क्या पुलिस वाले, गाइस 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 पुलिस वाले है इन्वेस्टिगेशन करने, मुझे एक बार देखना है पुलिस वाले क्या, ये प्राइम मिनिस्टर की, ओ भाई ये लोग प्राइम मिनिस्टर की कार को ढूंढने हैं। एक सेकंड गाइस मैं छुप लेता हूँ, क्राउड कहीं 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 भाई भाई, मतलब प्राइम मिनिस्टर की कार में ना इन लोगों ने पता नहीं कैसा सोना छुपा के रखा है कि भाई ढूंढ ही रहे तब से, मैं सोच रहा हूँ कि क्या यार। गाइस मेरे से मुझे, और इस बार मुझे बलास गैंग का मेन बॉस दिखा, तो इस बार हम क्या करने वाले पता है गाइस? नहीं पता ना, दिखाएंगे बिल्कुल। ये नीचे उतरेंगे, ये जो वैन है ना इस पे हम कहाँ पर ग्रेनेड लगा देंगे ताकि ये वैन पे आग लग जाए और हम बलास गैंग के जो ये पूरे छछुंदर घूम रहे हैं ना उनका हम पूरा मार डालें। तो ये मेरा प्लान है, पता नहीं हो सकता है कि नहीं, बस सिर्फ 10 ग्रेनेड है तो मुझे सीधा मुड़ के इस चीज़ को जल्दी फेंकने वो लोग भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, ओ भाई 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 गाइस 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 एक सेकंड, बहुत प्रॉब्लम हो गई, इन लोगों ने मुझे देख लिया और पहचान भी लिए और इन लोगों ने बोला कि हाथ ऊपर कर ले वरना तेरी, पुलिस वाले भाग रहे, भाग रहे हो भाई 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 दादा, हाथ ऊपर, मैं ऐसे ही गोली वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन नहीं मैं वेस्ट, ये देखो गाइस जो बलास गैंग के जो बंदे होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। सर भागो, सब लोग भागो भागो, मुंह तोड़ डालेंगे उसका बॉस, एक बार मिल जाए ना भाई उसको तो मैं गलत वाला कूटूंगा, उसका मेन बॉस किधर है, मैं एक बार उससे बिक्समोक से बात करके पूछ लेता हूँ, उसका मेन बॉस एक बहुत अमीर आदमी के भेस में घूम रहे हैं हमारे एरिया में, ठीक है मैं देखता हूँ कौन है। ओ गाइस वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, मुझे इस पे शक ही था, मतलब भाई कितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा था ना, अभी हम आपकी शरीफी निकालते हैं ना। सर सर हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, एक ए, ए, एक ही बार में बोलूँगा हाथ ऊपर तो हाथ ऊपर, ओ अक्कर अक्कर देखो गाइस, हाथ ऊपर, खत्म गाइस, साले हमसे पंगा लोगे, गला काट डालेंगे पूरा। गाइस हमने पूरी बलास गैंग को खत्म कर दिया है, अभी मैं देखता हूँ कि बिग स्मोक का पता नहीं क्या सीन होगा। चलो भाई बिग स्मोक से एक बार बात कर लेते हैं, लग जा कॉल, गाइस बिग स्मोक बिजी है, मैं एक बार घर पे जाकर उसको कॉल करके आता हूँ। एक सेकंड, अबे प्राइम मिनिस्टर की कार चोरी हो जाएगी भाई भाई भाई, बंद रहे। और बिग स्मोक ने बोला है कि जब तुम उनको मार दो तब हमको फ़ोन करना, तो मैं फ़ोन तो लगा रहा हूँ, वो रहा गाइस लग गया, वो फ़ोन कर रहे हैं। हेलो बिग स्मोक, हाँ बिग स्मोक, हाँ मैंने बलास गैंग के मेन बॉस को भी मार दिया, बलास गैंग को भी ख़त्म कर दिया, मतलब ख़त्म नहीं किया, जो मेन मेम्बर्स उनको मार दिया, अभी वो हमसे डरते हैं और वो हमको कुछ भी टच नहीं कर सकते। अब वो चीज तो भाई पता है मुझे कि बलास गैंग और पुलिस वाले एक साथ मिले हैं, अभी उसका क्या करना है, क्या पुलिस वाले पे वार करना है कि पूरी पुलिस फोर्स ही उड़ा डालना है। नहीं करना है पुलिस फोर्स उड़ाना, उनको शांत होने देना है, ठीक है वो भी ठीक है, तू जो बोलेगा वही ठीक है, बिकॉज तूने बहुत सारे बैंक, हमने बहुत सारे बैंक चोरी किए, बहुत सारे काम किए, तो हाँ। तो अभी अभी क्या करना चाहिए मेनली, अभी वो बता।
अभी मुझे मतलब ये गाड़ी के ट्रैकर को हटाना, ठीक है मैं उसको हटा देता हूँ। चलो भाई चलो बाहर बाहर बाहर। ओके गाइज अभी मैं जा रहा हूँ ट्रैकर हटाने के लिए, और एक सेकेंड अभी मुझे बिग वो एक बंदे का मैसेज आया है, एक सेकेंड। ये देखो भाई मतलब कॉल आया है और उसने मुझे बोला है जो प्राइम मिनिस्टर की कार है वो तुम हमको दे दो। पता नहीं कौन है लेकिन हाँ कुछ ज़्यादा ही दादागिरी कर रहा था, मुझे लग रहा है ये बिलास गैंग नहीं है, बिकॉज बिलास गैंग को हमने ये देखो भाई ये मैं गन दिखाते बिलास गैंग भाग गया। बिलास गैंग अभी हमारे लिए छोटे हैं, और अभी मुझे ट्रैकर हटवाने हैं तो अभी मैं लिमोजिन से ये जो ट्रैकर्स है इनको मैं हटा देता हूँ। ये हाँ चलो पूरे एक ट्रैकर हट गया और अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड गाइस हो गया हमारा काम और वीडियो कितने मिनट की बन गई, तो हाँ मैं बहुत आज लंबी वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने वो प्लान करके रखा था, मैं सोच रहा कि आधा पार्ट एक वो रिकॉर्ड कर लूँ एंड आधा वो कर दूंगा, वैसा मैंने सोच के रखा था। लेकिन हाँ यार 21 मिनट और तो बहुत बहुत टाइम बाकी है, मुझे एक डेढ़ घंटे की वीडियो डालनी है। तो अभी 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 मैं थोड़ा स्टोरी को लंबा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है गाइस। हाँ तो अभी मैं जा रहा हूँ बिग स्मोक के पास। बिग स्मोक ने बोला है मतलब बिग स्मोक ने बोला है कि तुम मेरे घर पे मत आओ, तुम सीधा कॉल करो, बिकॉज तुम एक बहुत बड़े पहली बात गैंगस्टर हो और गैंगस्टरों को कभी भी एक दूसरे गैंगस्टर को कॉल नहीं करना चाहिए, वरना भाई इन्फॉर्मेशन गलती से भी पता लग गया ना कि हमारी प्राइम मिनिस्टर की कार हमने चुराई है तो भाई बैन वो बजने वाले हैं ना भाई, मैं बता नहीं सकता। और रिसेंटली गाइज मैंने मेरा माउस पैड चेंज किया, इसीलिए मैं आराम से पूरे से मतलब बहुत मस्त से खेल पा रहा हूँ। और एक बार मुझे बिलास गैंग से देखने के लोग डरते हैं कि नहीं डरते हो भाई? Yes, he, what you gonna do next? वो सीधा भाग रहे, डरना क्या भाई सीधा भाग रहे वो, देखो इस बंदे की ज्यादा ही अकड़ है। ओ एक सेकंड से ये हमारे गैंग का बंदा, चलो उस पे बैज लगा हुआ है हमारे गैंग का बंदा है। तो अभी अभी भाई एक बहुत वो हो चुका है, बहुत घटिया सिचुएशन हो चुकी है। अभी मुझे बिग स्मोक का फ़ोन आया था, उसने बोला है कि वो उसका ही कॉल था, तो मतलब वो चेक कर रहा था कि कॉल लगता है कि नहीं, तो मतलब वो उसका ही कॉल नहीं था, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो एक वही नंबर से बिग स्मोक को भी कॉल आया, उसने बोला है कि लिमोजिन हमको दे दे, लेकिन अभी क्या करेंगे बताओ गाइज। अभी एक ही ऑप्शन है, उस बंदे को पता लगाना है, उस बंदे को ख़त्म करना, और कौन है ये बंदा पहले उसको पता लगाना पड़ेगा, और ये चीज़ मैं पता लगा के रहूँगा भाई ये, वरना अगर कोई ये हमारे गैंग का बंदा निकला तो बाद में इतनी मुश्किल हो जाएगी ना, बिकॉज हमारे गैंग के बंदों को सब पता है सीजे के स्टाइल, सीजे की क्या वो मतलब सब कुछ पता है। तो हाँ ये लोग हमारे गैंग के बंदे, सर जाओ ना भाई ये बलाद गैंग के। पता नहीं यार चल 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 कूद नहीं पा रहा मैं, कूदो 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 भाई, चलो कोई बात नहीं। तो अभी ये रात जाने देते नहीं, रात अभी 4 बजे, हाँ भाई सुबह हो चुका है। अभी मैं मेरी गाड़ी बाहर नहीं निकालने वाला, मैं कोई दूसरी गाड़ी ले जाने वाला, ये गाड़ी मुझे किसी कीमत पे भी बाहर नहीं निकालनी, जब पूरा सिचुएशन ठीक हो जाएगा ना तभी मैं बाहर निकालूंगा, वरना अगर गलती से भी एक गाड़ी मैंने बाहर निकाल लिया, अगर पुलिस मैं मोटा हो गया भाई यार क्या मतलब, मैं मोटा से हट गया, हाँ माइनस हो गया, हाँ बिकॉज मैं बहुत देर से पैदल भाग रहा हूँ। हाँ तो अभी मुझे एक गाड़ी ढूंढनी है ताकि
मैं पता लगा सकूं यार वो कौन बंदा है, किसने हमारी इंफॉर्मेशन ली है एक बार। गाइस बिग स्मोक का फोन आ रहा है, एक सेकंड। बिग स्मोक क्या हुआ, मैंने तुझे कॉल बैक किया था, तूने पकड़ा नहीं बाद में। हमारी प्राइम मिनिस्टर की चोरी वाली न्यूज वही बंदे ने पूरी सिटी पे फैला दी, टीवी में डाल दिया। वो भाई सही में गाइस यार अभी बहुत गलत सीन हो चुका है उस बंदे को, तो हमको पकड़ना ही पड़ेगा। पता नहीं कौन बंदा हमारे साथ मजे ले रहा है, लेकिन हाँ मुझे बिग स्मोक ने मुझे लोकेशन बताया, वो भी एक खैका टाइप का ही है, तो मुझे लोकेशन बताया कि ये जो हमारे पास जो 10 ग्रीन वो जो है ना, उस पर तुम जाके ढूंढो उस बंदे। अगर वो बंदा, उसने बोला कि वो बहुत अमीर बंदा है, तो उससे पंगा मत ले। उसने फोटो भी उसकी बेच कर, पता नहीं कौन है यार, हमसे मजे मत लो। और ये जो ये उसकी दुकान है, तो एक सेकंड मैं गोली हाथ पे ले रहा हूँ। वो रहा गाइस, ये देखो, ये रहा। सर हाथ ऊपर कर लो, यू गोना स्टे कूल नाउ। ओ धमकी दोगे? हाँ मैं सीजे हूँ, नहीं खेलना आपके साथ पूल, अभी मैं आपको फूल बनाने आऊँ। हाथ ऊपर कर लो वरना अभी बहुत गलत मारूंगा मैं। हाथ ऊपर वरना ये गोली ना मत्थे पे सीधा जाने वाली है, जो आपको समझ में नहीं आती ना, एक चाकू बचाना ही था। ओ भाई गाइस ये डंडे से मारने आ गया। गन निकालू क्या? ओ गाइस वन मिनट, ये बंदा कुछ ज्यादा ही चोरा बन रहा है। बेटे मेरे पास गन है, तेरे पास डंडा है, क्या करेगा, किससे लड़ेगा तू? जला डालूंगा पूरा, मैं बता जो गाइस, मुझे पिस्तौल निकालनी पड़ेगी। अपना कट्टा निकालो एंड हाथ ऊपर। हाँ बहुत कुछ ज्यादा ही चोरे बन रहे हो, इधर से फोन कर रहे हो, आपको परमेश्वर की कार चाहिए, इतना बड़ा गुंडे बन चुको। अभी आपकी तो खैर नहीं, आपने वो न्यूज वो उस पर पॉपुलर कर दिया, अभी क्या करो बताओ, क्या वो आप न्यूज हटाओगे? नहीं, अगर नहीं हटाया तो मैं आपको मार दूंगा। Now don't be an idiot. ठीक है। Come on, तो गाइस इसने मुझे बोला कि हाँ मैं न्यूज हटा रहा हूँ, तो वो लोग उसके उसको उसके गैंग मेंबर्स को फोन कर रहे। हाँ तो गाइस बिग स्मोक न्यूज हट गया ना? हाँ ठीक है, तो बिग स्मोक ने मुझे बोला कि न्यूज हट गया, और उसने चुपचाप बोला कि उसको मार दो, अगर उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को चले गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसको तुम मार दो। ओ भाई अक्कर देख इस बंदे की। सर, आपने एक बार, मैं सोच रहा था आपको छोड़ दूं, लेकिन आपने तो मुझे गुस्सा दिला दिया। और हमारी एक स्टाइल है, हमसे अगर दुश्मनी करोगे तो भाई ऐसा ही होगा, ठीक है? पुलिस वाले आ जाए जो बाहर में आ गए भाई, बाहर में पुलिस वाले गए बाहर में, चाकू से मारूंगा। और बिग स्मोक ने और एक चीज बोला, पूरे बार शॉप को तबाह कर दो। ठीक है भाई, मैं तबाह कर रहा हूँ, हर एक को मारना मुझे पूरा। बोरा आपको कैसे मारेंगे पता है आपको ना? हम ऐसे, एक सेकंड, मैं एक एक बार मुझे मेरी गन वो हो जाए। You want this to get uglier? देखो खत्म, एक ही हिट में। और कौन बंदा चोर बनोगे? सारे गैंग मेंबर इसके साथ ही मिले हो ना? चलो पूरी गाइस, हमने ये वो जो क्या बोलते हैं ग्रीन बॉटल, उसको हमने तबाह कर दिया है। और अभी मैं जाता हूँ बिग स्मोक से वापस से कॉल कर, तो उसने एक बार मिस कॉल दिया था, तो चलो। बिग स्मोक ने बोला है कि तुम मेरे घर कभी भी मत आओ, मुझे उसका घर पता है, लेकिन उसने बोला है कि तुम मेरे घर कभी भी मत आओ, अगर हमारी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को नहीं तो कोई गैंग मेंबर को पता चल गया, ये बहुत हम उनको मार के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधा अपलोड। अब एक चीज़ मैंने सोची नहीं, इन लोगों ने ये चीज़ न्यूज़ बना दी, क्या सबको ये चीज़ पता चल गया?
मुझे गाइस दूसरे बंदों का मेरे पास नंबर है, मैं मेरे दोस्तों को जो शरीफ वाले दोस्तों को मैं पूछ के देखता हूँ कि क्या मतलब। हेलो, हाँ बहुत दिनों के बाद मिले, वो बाद में छोड़, लेकिन वो बता कि क्या एक न्यूज़ हुई है लिमोजिन चोरी की, वो नहीं हुई है, मतलब डाली थी नहीं डाली, कुछ रिमूव हो गया, ठीक है। तो गाइस भाई पच गए, बिग स्मोक ने अभी बिग स्मोक का कॉल आ रहा है पता नहीं। हेलो बिग स्मोक, हाँ मुझे पता चल गया, तूने जो न्यूज़ जो रिपोर्टर था तुमने उसको मार दिया उसके हमारी गैंग के साथ, हाँ मुझे पता है, मुझे पता चल चुका है। तो और मेरे पास अभी तो बहुत पैसा, अभी मैं करूँ क्या बताऊँ। ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ यार। तो बिग स्मोक ने बोला है कि हमारे जो बदले वो पूरे हो चुके हैं, तब ये एक ही बदला था इसके साथ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार प्राइम मिनिस्टर की कार को वापस बाहर निकालते हैं और अपनी एक चोर के साथ घूमते। और अभी मुझे LSPD वालों का फ़ोन आता, उन लोगों ने बोला है वो लोग डर चुके हमसे, बिकॉज हमने जो ग्रीन बॉटल उसका हाल किया, और जिसको हमने मारा है ना वो कौन है पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो पुलिस स्टेशन का वो है DSP है, तो DSP को हमने पूरा वो ख़त्म कर दिया, और पुलिस वाले ने बोला है कि और किसी को भी मत मारो करना बहुत तबाही मच जाएगी सिटी पे, तो हाँ हम तुम्हारी बात मानते हैं। ठीक है भाई, पुलिस वाले ने जो कहा हम तो सुन गए, लेकिन मुझे एक बात ध्यान भी रखनी पड़ेगी, ये कोई प्लान नहीं हो सकता, बस बलास गैंग के बंदे और पुलिस वालों के बंदे के मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, और उनका मैं जॉब भी नहीं करूँगा, बिकॉज जॉब में सीधा अगर कोई भाई घर पे आके सीधा मार दिया तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना है, और इसीलिए मैंने पुलिस वालों को बोला है कि तुम एक वो डाल दो मोबाइल पे जो उन लोगों ने डाल दिया, बिग स्मोक को पहुँच चुका है, और बिग स्मोक ने बोला है ओके। तब पुलिस वालों को पता नहीं है वो डेटा वेटा, लेकिन उन लोगों को पता है कि हम बहुत बड़े अभी गैंगस्टर हैं अभी के टाइम के, लेकिन अभी हमको मेन बात है हमको और कोई गैंगस्टर के साथ दुश्मनी नहीं लेनी यार, नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल वाली लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिलता भाई, नॉर्मल गैंगस्टर की लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिलता। प्राइम मिनिस्टर की गार चोरी की, पहले पार्ट में हमने चोरी चकारी शुरू कर दी, और अभी जो पार्ट है, एक सेकेंड मैं कुछ ज़्यादा ही घटिया वाली ड्राइविंग कर रहा हूँ, नहीं प्राइम मिनिस्टर की कार है। बिग स्मोक ने बोला है कि तुम चलाना तो चलाना लेकिन ध्यान से, मेरी कार फूंक डाला है ये तो। भाई एक सेकेंड रुक जाओ ठीक है, मेरी कार को मेरे दोस्त के पास रिपेयर करवा के आता हूँ ताकि वो हो जाए ना। मेरी गाड़ी फोड़ डाला है ये, चल निकलना फिर से यार। प्राइम मिनिस्टर की कार को क्यों तबाह करना चाहते हो, क्या है प्राइम मिनिस्टर की कार से? तो मैंने बोला ही था गाइस इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर की कार नहीं, लेकिन हाँ अभी कोई बात नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं है, हम सीधा रिपेयर शॉप में जाके इस चीज को ठीक कर सकते हैं, टेंशन किसके भी नहीं है। अभी मेरी टेंशन है कि कई ये कोई गैंग मेंबर्स नहीं हो, वरना वो रहा पुलिस वाला जा रहा है, मैं उसको ही बोलता हूँ रिपेयर करने के लिए। ओके गाइस, पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी रिपेयर करवा दी, गाड़ी पूरी न्यू नबेली हो गई, और हाँ यार थोड़ी स्क्रैचेस पर गई थी, लेकिन हाँ पुलिस भाई पुलिस वाले यार तुम लोग पुलिस वालों को जॉब छोड़ के गाड़ी रिपेयर करने लग जाओ, क्या चमचमाती कार कर दी। नहीं वो डिजाइन है, मैं सोच रहा था कि पुलिस वालों ने सीधे गाड़ी को फोड़ डाला, कुछ बॉम प्लान करके रखा है, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, तो अच्छा अच्छा लगा मुझे सुन के कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। और हाँ
अभी मैं ये गाड़ी को ध्यान से चलाऊंगा, किसी को ठोकना नहीं है भाई। बहुत ठोक लिया यार, एक बार ड्राइविंग अच्छे से सीख जाए ना तो मजा आ जाए। ओ, 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 मुझे लग रहा है मैं ठुकने वाला हूँ। नहीं हाँ 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 और पुलिस वाले ने बोला है कि ये अगर ऐसे हरकतें करोगे तो तुम जेल में ही जाओगे। नहीं 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 गाइस 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 एक सेकंड यार, मेरी गाड़ी फिर से फोड़ डाली यार, मैं इस रास्ते से निकाल ही नहीं गाड़ी को गाइस। और एक बार रिपेयर करना। तो गाइस मैंने गाड़ी तो रिपेयर करवा दिया भाई। बिग स्मोक में इतने सारे पैसे डाल रहे हैं एक बार में, मैं वही सोचा कि बिग स्मोक ने अभी तक पैसे नहीं डाले यार। मतलब भाई बिग स्मोक तो बड़ा ही बड़ा गैंगस्टर है। फिर से मेरी गाड़ी यार, अरे गाड़ी के पीछे क्यों पड़े हुए सब लोग। ये लो, ये बंदा भी मेरी गाड़ी ठोक रहा है। वाह, मतलब मुझे लिमोजिन निकाली नहीं चाहिए थी। मतलब भाई सीधा सी ये देखो भाई, बड़ा गैंग के बंदे भी भाई गुस्से कर रहे हैं। अगर और पुलिस वालों ने और एक वार्निंग दी, अगर तुम ऐसे गाड़ी चलाओगे तो हम प्राइम मिनिस्टर की कार को जब्त कर लेंगे। मतलब तुम्हारी कार को जब्त कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर की कार। अगर किसी ने भी बता दिया, मैं और एक बार रिपेयर करवा लेता हूँ यार। तो गाइज हमने वापस से और एक बार कार, भाई ये बिग स्मोक यार कुछ ज़्यादा ही चोरा बन रहा है। तो पैसे डालती जा रहे हैं। मतलब ओपी यार बिग स्मोक, ओपी। मैं उसको फ़ोन करके बोलता हूँ कि तू ओपी, फ़ोन पकड़े ही नहीं। उसने बोला है कि एक वो ले लो, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। हेलो बिग स्मोक। हाँ बिग स्मोक, मुझे पैसे मिल गए भाई। इतने पैसे नहीं डालने बोले थे, मतलब मिशन का पैसा डालना चाहिए इतने। मतलब एक टिप टिप की तरह नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ये मिशन का पैसा चाहिए था मुझे, मुझे पूरा पूरा ही पैसा नहीं चाहिए था। अभी मेरे पास कम से कम 1,570 मिलियन डॉलर्स है। इतना पैसा नहीं बोला था यार डालने के लिए। तो ये कोई बात नहीं, डाल दिया तो डाल दिया। हम भी अभी गॉड बनना चाहता हूँ मैं। और मेन बात है, अभी मुझे बिग स्मोक ने और एक चीज़ बोला कि तुम इस गैंगस्टर की लाइफ को कभी मत छोड़ो, बिकॉज इधर तुम ना, ये तुम्हारा GTA 5 भी है कि शोरूम बना डाला, शोरूम इधर तुम नहीं खोल सकते। कभी भी वार हो सकता है, बिकॉज ये सिटी इतनी भी अच्छी नहीं थी। कभी भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया भाई प्राइम मिनिस्टर की कार जिसने चोरी की है वापस ढूंढ लगा, और इस बार अगर वो बंदा मिला तो ख़त्म कर दो। इसलिए शोरूम वोरूम मत खोलना। तो वो मुझे पूरा सीरियसली बोला है, मतलब इसलिए बोला यार शोरूम अगर मैंने खोल लिया, मैं बता रहा हूँ अगर मैंने इधर शोरूम खोल लिया, कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। अभी पैसे ही अच्छा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने और एक वो कर दिया ना कि भाई लॉकडाउन मचा देंगे, और लॉकडाउन में ना मैं बाहर निकल पाऊँगा, और भाई बहुत गलत सीन हो जाएगा, पैसे भी नहीं आएंगे, पूरे बंद हो जाएंगे। ठोकना नहीं है। मुझे थोड़े वो कुछ खाना, मुझे भूख लगी है, तो आज मैं आया हूँ ढाबा। ये हमारा ढाबा है चकिंग, क्या बोलते हैं क्लकिन बैल। ये हमारा बहुत मस्त वाला ढाबा है जहाँ पर हम आराम से बैठ के कुछ खा सकते हैं। सर मुझे एक वो चाहिए था, मैं एक बार खा ले तो यार, एक सेकंड। गन नीचे लग। Cock-a-doodle-doo, what do you want? हाँ मुझे ये वाला चाहिए, 2 रुपए का सर। भाई 2 रुपए का तो है तो भाई मस्त। ये भाई ये 5 रुपए का, मतलब $5 का है। नहीं भाई मुझे नॉर्मल वाला एक चाहिए। सिलेक्ट मील पी बाई, पी से बाई होते। चलो गाइस हमने खरीद लिया, और रिटर्न किससे होता है?
रिटर्न किससे होता है मैं भूल गया। वो एंटर से रिटर्न होता है। हाँ मैं भूल गया, मैं भूल गया था भाई। क्या मजा आ गया यार, पेड़ पूरा भर गया। ओपी आपकी दुकान, ओपी आपकी दुकान को मैं 50 लाख रुपए दे दूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। मजाक कर रहा था, सिर्फ $5 गए। वो बंदा तो मुझे लूट ही रहा था $5 लेके। मैं इसीलिए पैसे ज्यादा खर्च नहीं कर रहा हूँ। अगर बाई चांस बिग स्मोक ने मेरे साथ दुश्मनी उलझ, बिकॉज भाई बिग स्मोक भी अच्छा बंदा नहीं है, उसने मुझे बोल के रखा है कि हमको अगर तुमने कोई भी काम अच्छे से नहीं किया ना तो मुझसे और तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। रिसाइकलिंग सेंटर, बिग स्मोक ने बोला है कि इधर वो कवारे वाले गाड़ी मिलते हैं, मतलब सुपर कार भी कभी कभी मिल जाता है। अब मैं देखता हूँ यार सही में मिलता है क्या, अगर मिल जाए तो भाई मजा आ जाएगा। मैं निकलना चोर के बच्चे, मुझे मारने आ रहे हैं क्या? That smells great, huh? ओ, ये आपकी दुकान है? First it's free. ना तो हाँ, ठीक है। Hey दर... you, get out of here. ठीक है, free में मिल जाएगा। चलो, चलो, चलो गाइस। उसने बोला कि free में मिल जाएगा। पता नहीं वो बिग स्मोक का बहुत बड़ा फैन है, पता नहीं क्यों। उसने बोला है भाई free में ले लो, जो चीज चाहिए free में ले लो। मैं ये वाली पसंद कर लो तो चलो गाइस। ओ एक सेकंड गाइस, बहुत बहुत गलत वार हो गया। मुझे लगा ही था इसीलिए मैं लिमोजिन को बाहर नहीं निकाला। टेंशन किस पे भी नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम हो जाती है ना भाई, बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखो अभी मैंने बोला ना, इसीलिए मैं वो नहीं करता यार बंदों से, इसीलिए मैं अच्छा वो मतलब ऐसे बात नहीं करता। एक बार मैं और एक बार रिपेयर करा लेता हूँ। चलो गाइस, भाई बिग स्मोक पैसे डालते ही जा रहे हैं, क्या हो रहा है? सीधा डालते ही जा रहे हैं भाई, डालो पैसे, जितने पैसे डाल रहे डालो, पूरे 50 लाख रुपया। क्या यार बिग स्मोक, मैंने बोला कि ठीक है अभी मत डाल पैसे, लेकिन नहीं है तो डाल ही जा रहे हैं। पता नहीं कौन से चल गए, पता नहीं अभी हम क्या करेंगे इन पैसों का, लेकिन हाँ यूज तो करेंगे। हम गाड़ी खरीद सकते हैं और हमको मेन बात ये लिमोजिन ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये बहुत स्लो कार है। Did you steal your license? Because स्लो कार आपको तो पता है कितनी वो होती है, तो हाँ स्लो कार, ये बहुत स्लो कार है और हमको एक सुपर कार चाहिए। मैं एयरपोर्ट के पास पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी जितनी भी ठूक जाए अभी कोई टेंशन नहीं है। मैं इधर मेरा दोस्त है बेनी, बेनी को बोल के मैं आराम से रिपेयर करा सकता हूँ कभी भी। थर्मोटे स्विच लगा हुआ है, अगर गाड़ी टूट गई सीधा उस क्लिक को क्लिक कर दो, बस हो गया। प्राइम मिनिस्टर की पता नहीं कैसी कार है, सीधा खोखते ही जा रहे यार ये गाड़ी बंदा। एक सेकंड भाई यार, ये बंदा सीधा थोक टी क्यों जा रहे हो, सर जाओ ना अपने घर। मुझे लगा ही था ये लोग गाड़ी को वो ब्लास्ट देंगे बंदे, अगर ब्लास्ट देंगे बंदों ने गाड़ी को वो कर दिया। मैं एक बार भाई बिग स्मोक पैसे डालते जा रहे हैं पता नहीं क्यों, पर वो और मैंने स्विच भी दबा दिया और पुलिस वाले भी पीछे पड़ गए। यार मैं क्यों हो क्या रहे हैं, एक सेकंड गाइस मुझे भागना पड़ेगा, अभी एक ही ऑप्शन है भागने का। बिकॉज मैं ये भाई लिमोजिन के साथ एक बार घूमने आया था, लेकिन इन लोगों ने यार हद ही कर दी। चलो अभी मैं मेरे घर के रास्ते पे चल लेता। ये बंदा मेरा पीछा कर रहा है, मुझे लग रहा है ये मेरी पीछा कर रहा है और ये देख रहा है। ये कार मैंने कभी कहाँ पर देखी है? हाँ नहीं देखी है तूने, वो कार मैंने खुद मंगाई है। मैं मेरे घर की लोकेशन एक बार देख लेता हूँ, मैं कहाँ आ गया। ओके गाइस, भाई पता नहीं क्या हो चुका था, हमने भाई इतना बड़ा गैंग अटैक हो गया था, पता नहीं भाई
किसने ये गैंग अटैक कराया था, लेकिन हाँ एक चीज तो मैं श्योर हूँ कि ये कसम से बलाज गैंग के बंदे ही, और नहीं तो मुझे लग रहा है हमारे गैंग के बंदों ने मिलके अटैक किया है। तो वैसा इसीलिए लगा, बिकॉज जो जब मेरे पास अटैक हुआ था ना, तब मतलब भाई सीधा गाड़ी पे फोर रहे गाड़ी को, और मुझे लगता है कि गाइज ये वो दूसरी वाली गैंग है। एक सेकंड, मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना। हाँ चलो, ये गाइज मुझे लग रहा है ये दूसरी वाली गैंग है, और मैं इनसे पंगा नहीं लेना चाहता यार, पहले ही बता रहा हूँ। ऐसे ही मुश्किल है पूरी, और भर भर के मुश्किल आ जाएगी तो और मुश्किल हो जाएगा। मैं बक्से पे एक बार मार के देखता हूँ। ओए बक्सा निकल, ये बक्सा है पता नहीं ये यार। और गाइज अभी मुझे बिग स्मोक का फोन आया था, बिग स्मोक ने बोला है मुझे पता है तुम पर एक बहुत खतरनाक अटैक हुआ, तो वो पता लगा रहा है कि वो किसने किया। तो उसने हमारे जो गैंग मेंबर है उनको भेज के रखा है कि किसने किया है पता लगाओ फटाफट। तो मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ यार किसने किया है, बता दो माफ़ कर देंगे, वो भी अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से मतलब ऐसे अच्छी तरीके से नहीं, ये जो गन है ना, ये जो हम पहले हम ये वाली गन चला रहे थे, लेकिन अब हम अगर वो पकड़ा गया ना, ये जो वो है ना क्या बोलते हैं, ये जो आग वाली मशीन है ना, बंदा मिलते उसको जला डालूंगा पूरा भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ। मेरा मतलब पूरा मत्था गर्म हो गया, लिमोजिन पे अटैक कर दिया अभी मैंने थोड़े टाइम पहले, भाई गाड़ी को रिपेयर करके गैरेज में डाल दिया है, और अभी मैं गाड़ी को नहीं निकालने वाला। और मेनली मुझे अभी पता लगाना है किसने क्या ये हरकत, यार मत करो हरकत इतने भाई, मैं मेरे पता नहीं कितने बदले होते हैं GTA Vice City में, तो भाई अलग ही वो ही होता है। और गाइज क्या आप चाहते हो कि मैं GTA Vice City की स्टोरी लाऊं? हाँ चाहते ही होगे, लेकिन यार मैं नहीं कर सकता वो चीज़, बिकॉज GTA Vice City में साफ साफ इस वीडियो में बता रहा हूँ हम एक स्टोरी नहीं बना सकते, उनकी स्टोरी पे खेलना पड़ेगा। GTA San Andreas पे हम खुद की स्टोरी बना सकते हैं, GTA 5 में भी बना सकते हैं, लेकिन GTA Vice City पे नहीं यार, वो बहुत पुराना गेम है, और जो पुराने गेम्स होते हैं उन पे हम स्टोरी नहीं बना। ये GTA San Andreas पे मैंने एक वो भी डाल के रखा है ग्राफिक्स का मोड, आपको टेक्चर पे दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, अगर दिख रहा है तो ठीक है, ब्राइटनेस को हाँ कुछ एडवांस पे मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन नहीं अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ भाई मेरा पूरा मत्था गर्म हो चुका है, और मुझे एक बार वो बंदा पता लग जाए भाई उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने इतने गैंग से पंगा लिया, ये कौन बंदा है जिसने छुप छुप के हमारे गैंग को अटैक किया है? और बिग स्मोक ने मुझे भी बोला कि उस सबको ढूंढो, पूरी गैंग्स को पता लगाओ। और मुझे ज़्यादा शक बलास गैंग और एक न्यू गैंग पे जा रहा है, जो अभी न्यू आया है, मतलब अभी थोड़े तीन चार घंटा पहले जो एक न्यू गैंग बना है, पता नहीं कुछ गैंग क्या था यार उस गैंग का नाम मैं भूल गया, हाँ मियामी गैंग, तो मियामी गैंग पता नहीं एक न्यू गैंग बना है, मियामी गैंगस्टर है सारे पता नहीं, और वो 3 घंटा पहले है, और मेरी अभी वार था वो जो वार। तो मुझे लगता है ये चीज़ मियामी गैंग और पुलिस वालों ने मिल के एंड बलास गैंग वालों से मिल के उन लोगों ने अटैक कर, एक सेकंड गाइस मुझे इस बलास गैंग के बंदों पे शक हो रहा है, तो इस पे मैं एक बार वो कर लेता हूँ। सर जी एक सेकंड, हाथ ऊपर, आप गन लेके घूमते हो क्या, हम आपसे डरते, ये देखो हाथ ऊपर। You wanna get shut up, huh? Don't I know you, baby, or something? बंदा भाग गया। एक चीज बताओ, बलास गैंग के बंदे कुछ कोई प्लान बना रहे हो क्या, वो बताओ जल्दी बताओ, वरना मत्थे पे गोली डाल दूंगा। सही में नहीं डाल रहा तू, सुन ले। ठीक है, उन लोगों ने बोला स्टे कूल, मतलब हाँ भाई शांत रहो, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है भाई मान लेते यार इसकी बात, क्या करेंगे, बिकॉज मैंने उनको बॉस को मार दिया तो वो लोग बदला ले सकते। मुझे लग रहा है ये हरकत मियामी गैंग का ही, अभी मुझे मियामी गैंग के बारे में इतना तो पता नहीं है, 2 घंटा पहले आया वो गैंग,
और मुझे रिसर्च मतलब वो लोग पता लगाने वाले, तो मैं बिग स्मोक को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक न्यू गैंग आया सिटी पे, इसका नाम है मियामी गैंग। ये गैंग 2 घंटा पहले आया जब तक मेरा घटना नहीं हुआ था, तो मैं उसको बोल देता हूँ हेलो। तो जब पता चल गया, अब मुझे भी शक मियामी गैंग भी जा रहे यार, लेकिन उस गैंग के बारे में ज़्यादा तो पता ही नहीं है, बिकॉज मियामी सिटी पे अभी सीजे ना गया है, सीजे को ना पता है, एंड कुछ भी नहीं पता सीजे को, मतलब हाँ मुझे अभी कुछ, मैंने ना मियामी सिटी पे गया है, ना मैंने एक्सप्लोर किया, कुछ भी नहीं किया, बस लॉस सैंटोस पे मैं रहा हूँ। तो बस पता लगा तू, और तूने इसलिए फोन किया था, पता लग गया कौन है मियामी गैंग, मियामी सिटी का सबसे बड़े गैंगस्टर्स, उनके नीचे काम करते हैं, कौन कौन उनके नीचे कौन काम करते हैं, पुलिस वाले, उनका मेन बॉस कौन है, कुछ माफिया है, उसका नाम बताओ, इन्फॉर्मेशन उसका, क्या माफिया का नाम क्या है, सॉरी वो डॉन है, इसका नाम क्या बताओ सर, बिग माफिया। यार मैंने बिग माफिया के बारे में तो सुना है, लेकिन वो ऐसे छोटे मोटे हरकतें नहीं करता। हाँ तो अगर उसने वो हरकतें की तो मैं उसको छोड़ूंगा, लेकिन बिग मैं ऐसे बोल तो रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं बिग माफिया कौन है, बिग माफिया की भाई है, बिग माफिया है भाई, वो इतने बड़े बड़े माफियाज है ना कि ये जो पूरी लॉस सैंटोस को तबाह कर देंगे एक ही चुटकी में, तो इसीलिए बिग माफिया को मारने के लिए, नहीं तो उनकी कोई उनको बताने के लिए, उसको मतलब सावधान करने के लिए, मतलब क्या बोल रहे हो, अलर्ट करने के लिए उनको कि हमारी और कुछ हुआ ना तो हम तुमको मार देंगे, ऐसा करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। अभी हमारे पास ना कोई ऑप्शन है गाइज, और ना अभी कुछ कर सकते हैं, अभी एक ही ऑप्शन है कि हमारा जो पुराना दोस्त है अंडरवाटर माफिया को फोन करके, नहीं बुलाना वो यार, उसको मैं फोन करता हूँ, उसका नंबर मेरे पास नहीं है अभी। हेलो मैं सीजे बोल रहा हूँ, तू पहचाना ना, तू लॉस सैंटोस में आ सकता है, तू कहाँ है वो बता, लंदन में तू लॉस सैंटोस में आ सकता है कि नहीं, उधर तेरी वो मतलब तूने घर वर खरीद लिया उधर, हाँ ठीक है चल मैं फोन रखता हूँ। तो गाइज अंडरवाटर माफिया से बात हो गई, उसने बोला है कि भाई लंदन में पर आप मेरा पूरा घर बस गया है, तो मैं नहीं आ सकता लॉस सैंटोस सॉरी। तो भी एक ही काम हो सकता है, एक प्लान बना के बिग माफिया को भाई को धमकी देना, या बिग माफिया के भाई को ख़त्म करना, इन दोनों में से एक ही हो सकता है, दो तो नहीं हो सकता, धमकी दे के सीधा मार देना ऐसा तो नहीं कर सकते, बस बिग माफिया का भाई, बिग माफिया, ये पूरी जो माफिया है फैमिली है ना, ये इतनी तगड़ी है कि हमारी जो सिक्योरिटी है ना वो पूरी एक मतलब एक वो एक मुक्के से पूरी एक सिक्योरिटी को ख़त्म कर सकते हैं, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है, हमको थोड़ी ट्रेनिंग एंड बहुत तगड़े तगड़े गन भी चाहिए, मेरे पास मिनी गन भी नहीं है यार, लेकिन मेरे पास एक तगड़ी स्नाइपर है जिससे मैं उनको ख़त्म कर सकता हूँ, स्कोप भी इस पर बहुत 8x वाला लगा हुआ है, वो 8x स्कोप से मैं आराम से उस जूम करके मार सकता हूँ, लेकिन यार स्नाइपर से भी कुछ नहीं हो सब, मुझे मेरे पास AWM तो है, लेकिन मुझे अभी मिनी गन चाहिए, लेकिन मेरे पास मिनी गन नहीं है ना मेरे पास रॉकेट लॉन्चर है, तो मुझे ये सारे गन्स खरीद के एक प्लान बनाना पड़ेगा बिग माफिया के भाई को मारना, धमकी देना भी भाई बेवकूफ़ वाला ही काम होगा, बिकॉज मैं बता रहा हूँ रुक जाओ, मैंने धमकी दे दिया, मुझे उसका नंबर भी पता है, मतलब उसने बिग स्मोक ने मुझे दे के रखा था, अगर कुछ ज़रूरत है तो फ़ोन करना, तो मुझे उसका नंबर भी पता है, तो क्या मैं एक प्लान बना सकता हूँ, एक सेकेंड गाइस, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ
मैं उसके साथ एक दोस्त बन जाता हूँ, उसके बाद जब वो मुझ पर विश्वास करने लग जाएगा तब मैं कभी उसके घर पे आके मैं उसको मार दूंगा और पूरी सिक्योरिटी को भी तबाह कर दूंगा। ये चीज़ हो सकता है, लेकिन उसका दोस्त बनना भी वो चीज़ मैंने बहुत गलत बोला, बिकॉज उसका उसने मेरे साथ एक बार दोस्ती तोड़ के रखा है और वो मुझसे गुस्सा भी है। इसलिए गुस्सा है बिकॉज मैंने मतलब उसको कोई भी काम पे नहीं बुलाया, मतलब कोई भी गैंग्स में नहीं बुलाया, कोई भी मिशन पे नहीं बुलाया। इसीलिए भाई क्या कर सकते हैं यार, अभी एक ही ऑप्शन है, बिग माफिया को भाई को मारना। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है, एक सेकंड में वीडियो कितने मिनट की बन गई वो तो देखना तो पड़ेगा ना, बार चेकआउट कर लेते हैं कितने मिनट की, 10 मिनट मैंने 49 मिनट्स तो थोड़ा टाइम रुकने दो गाइस। और अभी बिग माफिया का भाई को तो, और बिग माफिया का भाई को मारना एंड उसको उस वो करना मतलब उसको तबाह करना तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अभी इस वीडियो में अभी हमको प्लान बनाना पड़ेगा बिग माफिया का भाई को कैसे मारना है। तो अभी बिग स्मोक वही सोच रहा है कि कैसे मारना है यार, वो इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, मतलब वो उनके जो गुंडे हैं वो ऐसे ही, और ये छोटे मोटे काम भी नहीं करता, पता नहीं किसके दबाव में आके इन लोगों ने वो कर दिया यार। मैं एक बार मैंने और मुझे और मुझे शक हो रहा है पुलिस वालों ने मिलके भी ये काम किए, और पुलिस वाले नीचे काम करते हैं, मतलब पुलिस वालों भी इनके साथ है। तो अभी से मुझे पुलिस वालों को दिखते ही वो एक को मुझे मार के गोली मार के दूसरे पुलिस वालों को पूछना पड़ेगा कि धोखा क्यों दिया, कुछ अलर्ट करना पड़ेगा भाई, वरना अलग ही सीन हो जाएगा। तो मैं अभी एक पुलिस वालों को ढूंढ रहा हूँ। ओ एक सेकंड, ये भी तो नॉर्मल वो कोई होते हैं स्ट्रीट पुलिस। हेलो, हाथ ऊपर। अभी आप एक कॉप हो, ठीक है, आप एक कॉप, अभी आप सिविल ड्रेस में नहीं हो लेकिन आप एक कॉप हो, मुझे पता है। क्या आपने बिग माफिया के साथ कुछ प्लान रचा है, एक बताओ मुझे। एक सेकंड गाइस, उसका फोन आ रहा है, वो बात कर रहा है किसके साथ, मैंने उसको मार दिया। ओ भाग रहा है, हम शक्ल मतलब मुझे लगा ही था तेरी ले हमसे दोस्ती करेगा और दुश्मनी भी हमसे ही निभाएगा, निकल लूट डालेंगे पूरा, मैं कसम से बता रहा हूँ। और मैं तो अभी लिमोजिन बाहर नहीं निकालने वाला, मतलब मैं लिमोजिन कभी बाहर नहीं निकलूँ, जब बड़े पार्टी में जाएंगे सूट वूट पहन के तभी निकालेंगे। नॉर्मल के लिए नॉर्मल चोरी वाली कार कोई लेना भी दोस्त। अरे देखो पुलिस वाले अभी तक, और एक बार पुलिस वालों के साथ मुझे वो भी करना है यार, पेट्रोल ड्यूटी कर रही है लोग। हेलो 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 पुलिस वाले, मैं गोली मार दूंगा, ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चलो लेकिन हाँ, वो लोग उनके साथ मिले हुए तो वो चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर, स्पीड देखो कर कितनी है। गाड़ी मोर हो गए, हाई ये देखो गाइस गाइस गाइस, ये देखो भाई अक्कर कितनी है इनकी, मतलब बिग माफिया के भाई के साथ ही बन गया, मतलब वो नहीं हो गया। अभी मेन बात है, अभी मेनली हमको बिग माफिया के भाई को पहले ख़त्म नहीं करना है, दोनों चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। मेन बात पहले पुलिस स्टेशन को पूरा ऐसा डराना पड़ेगा, डराने के लिए एक ही सीन है, पुलिस स्टेशन को पूरा तबाह कर देना, उसके बाद वापस से बिल्ड कर देंगे, कोई बात नहीं, वो लोग खुद ही बना लेंगे, पैसे वैसे दे देंगे उनको, और उनको हमारे नीचे काम करवाना। बिकॉज अगर वो बिग माफिया के भाई के नीचे काम किया, कोई बंदा अगर मुझे सीधे ऊपर से स्नाइपर हेडशॉट मार दिया, कोई तो चाहिए ना भाई बचने के लिए। और एक सेकेंड
कि क्या गोलीबारी कर रहे हो यार, मारना है तो प्लान बनाओ, बिग माफिया को भाई को कैसे मारने। मैं वही दिमाग में मेरे बत्ती गुल रहा है कि भाई मैं कैसे मारूंगा यार। बस एक आइडिया मुझ पे आया कि उसके साथ दोस्ती कर लेता हूँ, दोस्ती करके थोड़े मिशंस खेलूंगा उसके साथ, उसके बाद एक टाइम आएगा जहाँ पर मैं उसको ख़त्म कर दूँगा, वो टाइम होगा कल। तो आज मैं उसके साथ दोस्ती थोड़े कर लेता हूँ और कल मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। चलो मैं बिग माफिया का भाई का नंबर भाई पता नहीं क्यों लगा रहा हूँ, लेकिन वही ऑप्शन। हेलो बिग माफिया, सॉरी मैं सीजे पहचाना। नहीं नहीं बिग माफिया, अभी 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 मैं बता रहा हूँ, रुक जा, अभी मैं तेरे सारे मिशंस करूंगा, तू जो बोलेगा वही करूंगा, सच बता रहा हूँ। आज बिग माफिया का भाई तेरा वो टाइप का एम्प्लॉय, हाँ अगर मैं उसको कोई प्रॉमिस दे दूँ ना वो मान जाते, सही में मान जाते। ठीक है मैं, हाँ ठीक है मैं, उसने बोला कि एक सबसे बड़ा काम कर दो, तुम वो डायमंड चोरी करके लाओ जो पुलिस स्टेशन पे उन लोगों ने डायमंड का एक पुलिस वाला रखा हुआ है। मैं उनको अभी फ़ोन करता हूँ, रुक जाओ गाइस मेरे पास ऑप्शन है। बिग माफिया तू होल्ड, कॉल पे होल्ड, मैं दूसरा कॉल पे चलता हूँ। अभी पुलिस वालों के सेक्रेटरी एक बात सुन लो, वो डायमंड का जो वो है ना वो चुपचाप बिग माफिया के, बिग माफिया को दे दो, उन लोगों ने बोला है। भाई मान गए यार, मान गए, ठीक है गाइज बिग मा, अभी भाई प्लान बन गया यार, बिग माफिया का हमारे साथ दोस्ती बन गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, उसको शक नहीं होना चाहिए हम पे। तो कल उसने बोला है कल पार्टी है आ जाना, मतलब हाँ मजाक कर रहा हूँ, वैसे पार्टी वार्टी पे एक दोस्त को नहीं बुलाता, कल वो मुझसे मिलना चाहते हैं उसकी गैंग के साथ। ठीक है यार उससे मिल लेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है उस पर। बस बिग माफिया का भाई को अगर मैंने मार भी दिया ना, मेरे पीछे 5-स्टार वांटेड लेवल की पुलिस पूरी पीछे पड़ने वाली है, बिकॉज ये पुलिस उनके अंडर काम करती है। तो हाँ वो चीज़ भी मुझे वो सेटअप करना पड़ेगा, हो जाएगा, अरे टेंशन नहीं है। मैं एक बार रिकॉर्डिंग कितने मिनट की होगी वो टाइम, तभी कभी कभी टाइम चेक करना पड़ता है, अगर मैंने 20-30 मिनट की और देर 4-5 घंटे की अगर वीडियो डाल दिए सही, मुश्किल हो जाती है यार कभी कभी। बिकॉज आउट्रो जो होता है ना, मैं गाइस एक चीज़ बताता हूँ, आउट्रो को डालने में मेन बात, और इस वीडियो को, ये वीडियो दो भाग में है, मतलब दो पार्ट है इसका, पार्ट तो एक ही है, मैं दो पार्ट को एक साथ जोड़ के पूरी तगड़ी वाली गेम प्ले वीडियो डालने वाला हूँ। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, चलो भाई बहुत रात हो गई यार, चलो सो जाते हैं, ऐसे ही बहुत रात हो के रखी है, पता नहीं ये लोग कब वो करेंगे यार। चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, चुपचाप जाके मैं मेरे उस पर सो जा, मैंने इधर वार्डरोब भी है ना, और मेरे वार्डरोब पे वो भी है, ड्रेसिंग्स भी है, ड्रेसेस भी है, मैं पता नहीं लगा था यार। बस क्या क्या है, बिंको से बिंको, बिंको से क्या मिलते हैं, ये ला भाई एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ चलो मेरे रिकॉर्डिंग पता नहीं वो हो गया था यार बंद, आराम से मतलब वो हो गया था पॉज, मुझे लगा कि पॉज हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो अभी मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है, मैंने दूसरे वाले कपड़े पहन लिए, और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे, और अभी पता नहीं मैं तो सो के तो उठ चुका हूँ। फोटो एक क्या है, फोन से क्या होता है,
से क्या हो, मुझे नहीं चाहिए कैमरा, मेरे पास कैमरा है। देखो मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। और ये जो कट्टा है ना, मैं बिग माफिया के भाई के मत्थे पे बजाने वाला हूँ। तो बिग माफिया का भाई रेडी रहना, इन्हें ये हरकत की है ना बहुत भारी पड़ेगी तुझे। अभी वो मुझसे दोस्ती करना चाहेगा, अच्छी बात है। अभी मैं कितने बजे, रात के एक बजे मतलब गेम के रात पे 1 बजे, अभी रियल टाइम में अभी 6:05 बज चुके। और मेरी स्नाइपर से भी मैं उसको मार सकता हूँ। मेन बात है मैं स्नाइपर इसलिए यूज़ नहीं कर रहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्नाइपर है, ये है वो क्या था यार स्नाइपर का नाम, मैं भूल गया। AWM हमारी, तो AWM को हम नॉर्मल ऐसे यूज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। जब कोई बड़ा काम होगा जिसकी किसको स्नाइप करना है वो भी ऊपर से, तो वो हम हाँ करेंगे। गाइस बहुत गलत, एक सेकंड सर, जाओ सब लोग, जाओ जाओ जाओ, मैं इसको मार के देखता हूँ, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। सर जाओ, ये होमलेस बंदा भाई कुछ ज्यादा ही चोर दिखा रहा हूँ। हमारे एरिया में रह के हमसे चोरा पंती, हमारे एरिया में रहेगा हम ही चोरा पति करोगे तो भाई ये होगा ना, इसलिए हमसे पंगा नहीं लेने का, पूरा पैर पे चाकू, पूरा पैर फोड़ डालूंगा तेरे। ये देखो इसीलिए सीजे से सब लोग डरते हैं, सीजे इतना गलत मारते हैं ना कि मत्थे पे सीधा। ये देखो ब्लास्ट गैंग के बंदे क्या है तुमको, ओ ये लोग डिसाइड करो, वो मैंने मारा है, चलो भागो। Have you been to Rusty Brown? Nah, man, nah. All right. ये पुलिस वालों के साथ later, homie. दूसरे पुलिस वालों के साथ और एक पुलिस वालों की बात हो रही है। Calm your ass down. I smoke cause it gives me a peace of mind. ओ कर दिखा रहा है। मुझे लगा है वो दोनों की कुछ बातें चल रही थी और ये बिग माफिया का भाई कुछ रिपोर्टर है तो मैं उसको मार देता हूँ। कोई cool. भी न्यूज उसको नहीं जानी चाहिए, मुझको उसके साथ काम करना है, मुझे मैं अकेले काम नहीं करना है मुझे। चलो रिकॉर्डिंग कितने मिनट की होगी, मुझे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है। चलो 22 मिनट्स की, चलो बढ़िया। और गाइज अभी हमने बहुत सारे काम कर लिया, और गाइज आज की इस गेम प्ले वीडियो के लिए इतना ही। आई होप अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 30 लाइक्स एंड 30 व्यूज़ का, मैंने उस वीडियो पे एम किया था। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 45 व्यूज़ का एंड 40 लाइक्स का। सभी लोग जाओ लाइक एंड व्यूज़, नहीं तो लाइक नहीं तो व्यूज़ का एम गोल कंप्लीट कर दो। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से। और आज की इस गेम प्ले वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और न्यू गेम प्ले के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।